तरुण जी, आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? या हाय विश्वमोहन जी, जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा, मैं भी उनके व्यू के साथ जाना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म में तो देखो, रिस्पाइट रैली हमने अक्रॉस द बोर्ड आते हुए देखा है। जिस तरीके से फेड ने रिटोरिक किया, लेस हॉकिश, एक्सपेक्टेशन था 100 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का, लेकिन 75 बेसिस पॉइंट किया, तो कहीं ना कहीं उसके बाद में हमने देखा डॉलर इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आया और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमने रिस्की एसेट क्लास में आते हुए देखा, क्योंकि बेस मेटल्स की वजह से सिल्वर में ज्यादा करेक्शन आया था। तो दैट इज वन ऑफ द की रीजन सिल्वर के अंदर अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। जैसा अमित सजेजा साहब ने कहा, मैं भी एक्चुअली सेम व्यू रखता हूँ। पोजिशनली एक्चुअली $20.50 के ऊपर सिल्वर को क्लोज होना जरूरी है, चलना जरूरी है। सिमिलर वे में 59,500 इज माई लेवल, उसके ऊपर सिल्वर का चलना जरूरी है। इफ दैट वुड हैपन देन ओनली आई विल प्लेस माई पोजिशनल बेट, अदरवाइज आई विल प्रेफर टू वेट ट्रेंड फॉर अ ट्रेंड रिवर्सल। सो दैट्स माई व्यू ऑन सिल्वर। गोल्ड की बात करता हूँ, आई थिंक $1,770 क्रिटिकल रेजिस्टेंस है अभी भी। दो $1,680 से हमने काफी उमदा रैली देखी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी 109.50 से करेक्शन आया है, अभी 106 के नीचे चल रहा है। $1,770 के ऊपर अगर गोल्ड क्लोज देता है, साइमल्टेनियसली 105 के नीचे डॉलर इंडेक्स क्लोज देता है, तो दैट इज द टाइम वी बिलीव की डॉलर इंडेक्स में टॉप बन चुका है एंड साइमल्टेनियसली गोल्ड में बॉटम बन चुका है, एंड देन आई थिंक पोजिशनली गोल्ड के अंदर बाइंग देखने को मिल सकती है। मेक और ब्रेक लेवल पर है, जो हुआ वो एक इवेंट के चलते था, बट लुकिंग फॉरवर्ड अगर डॉलर फर्दर वीक होगा तो रुपी अप्रिसिएशन के चलते गोल्ड में रिटर्न कम देखने को मिलेगा, और बेस मेटल्स अगर भागेगा तो सिल्वर में ज्यादा फायदा मिलेगा। तो बाइंग साइड में आई थिंक अगर मार्केट में फर्दर डायरेक्शन आता है तो सिल्वर वुड बी अ बेटर बेट देन कंपेयर टू गोल्ड। ओके, यानी सिल्वर ज्यादा यहाँ से तेजी लग रही है। बेस मेटल्स पर आपका भी तरुण जी क्या होगा, कोई पोजिशनल ट्रेड आप लोगों ने पिछले हफ्ते कॉपर पर निकाला था, कोई और ट्रेड आज के लिए? कॉपर को 635 के ऊपर नहीं चलना चाहिए था, 635 के ऊपर चला तो इतनी देर इज सम अपसाइड पॉसिबिलिटीज इन द शॉर्ट टर्म, एंड वो हमने आते हुए देखा है। आई थिंक फॉर द सम टाइम 625 ऑन डाउनसाइड टू 665 ऑन अपसाइड, दिस इज द रेंज इन विच शॉर्ट टर्म एक्टिविटी वुड हैपन, बट अभी भी ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब 670 के ऊपर कॉपर के प्राइस क्लोज देंगे। सो हमारा ऐसा मानना है कि अभी कॉपर ग्रेजुअली हो सकता है 655-665 तक जाए, लेकिन ट्रेंड में रिवर्सल अभी भी नहीं है। वर्ल्ड की तीन इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमीज यूएस, यूरोप एंड चाइना, दे आर नॉट डूइंग वेल। इफ दे आर नॉट डूइंग वेल देन सर्टेनली कॉपर विल नॉट परफॉर्म बेटर इन अ लॉन्ग टर्म। तरुण जी, कॉटन को लेकर आपका आउटलुक क्या है? सी, देखिए, देयर इज लॉट ऑफ र्यूमर इन द मार्केट कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन के अंदर है ना 8.5 लाख हेक्टेयर्स में क्रॉप का डैमेज हुआ है। पहली बात तो देखिए, 8.5 लाख जो हेक्टेयर्स है वो खाली कॉटन का एरिया नहीं, वो टोटल एरिया डैमेज का है, जिसमें सोयाबीन भी आएगा, जिसमें पल्सेस भी आएगा, जिसमें कॉटन भी आएगा। और कॉटन के क्रॉप साइज की बात करता हूँ तो एरिया जो यूज होता है 120 लाख हेक्टेयर्स होता है, सॉरी, एंड अगर उसमें से मैं मान लेता हूँ कि लेट से फॉर एग्जांपल 50% एरिया कॉटन के लिए खराब हुआ है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जुलाई में अगर बारिश की वजह से सोइंग डिले होती है या एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से क्रॉप डैमेज होती है तो रीसोइंग के चांसेस हैं, एंड दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन द डैमेज्ड एरिया। सो अभी कॉटन को लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है। यही अगर फसल खराब का न्यूज आता सितंबर या अक्टूबर में, देन शायद सिचुएशन वरीसम होती। तो आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट, वी विल हैव अ गुड नंबर। रीसोइंग फार्मर कर रहे हैं जहां पर भी क्रॉप का डैमेज का विटनेस हुआ है, एंड दैट इज अ वेरी स्मॉलर एरिया। वी विल डोंट नो कि कितना एरिया कॉटन का खराब हुआ है, दैट इज द टोटल एरिया जो डैमेज हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। चलिए, हमारे